राजधानी के गर्दनी बाग में धरनास्थल पर धरना दे रहे बीएसएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान उतर आए। चिराग पासवान अभ्यर्थियों के धरने में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सरकार से इन अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, उनकी लड़ाई में अब लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ देगी। हम लोग आंदोलन के माध्यम से इनकी नियुक्ति तक पुरजोर संघर्ष करेंगे। दरअसल राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीएसएससी के अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। वहीं उनके समर्थन में चिराग पासवान भी घटना स्थल पर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही अभ्यर्थियों का उत्साह दोगुना हो गया। है गाली बके नारा लगाए, ये इल्लीगल तरीके पर है। जो तरीका अपनाते हैं वो गलत है, अपनाना नहीं चाहिए। सर, इन लोगों का समाधान क्यों नहीं हो रहा? 7 साल से ये लोग सारे रुको नहीं है। समाधान के समाधान हो रहे हैं और इन्हीं में से कई लड़के चले जाते हैं हाई कोर्ट। परमिशन लिए थे यही लोग हाई कोर्ट जाते हैं कि इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये गलत है, ये गलत है। सर, इन लोग का परमिशन है क्या? नहीं है परमिशन नहीं लिया है। ये लोग किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? रूल ऑफ लॉ चलेगा। इन लोग इतने संख्या में कैसे पहुंच गया कि कुछ भी हो परमिशन? सर, विधि से मत करवाई हो। सर, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया तो फिर इतने संख्या में कैसे जुड़ गए लोग? अरे भाई, प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? 2, 4, 5, 10 करके इधर उधर से आ रहे हैं तो आगे इकट्ठा हो गए। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? विधि सम्मत कार्रवाई होगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा, जो भी कानून मारे पकड़े। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।